नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। एनआरसी की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि अब देश भर में इसकी प्रक्रिया लागू होगी। असम में एनआरसी के सबसे मुखर विरोधियों में ममता बनर्जी रही, और अमित शाह के ऐलान के बाद उन्होंने ही सबसे तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में एनआरसी नहीं आने देंगे। हमारा सवाल है कि एनआरसी को लेकर सारी लड़ाई क्या वोट बैंक की है? माना जा रहा है कि अवैध घुसपैठियों के नाम पर बीजेपी एनआरसी का जो मुद्दा उठा रही है, उससे ममता बनर्जी को अपने वोट बैंक पर असर पड़ने का डर लग रहा है। ऐसे में बंगाल के आने वाले चुनाव के पहले क्या एनआरसी को लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक होने जा रही है? वैसे एनआरसी पर असम में बीजेपी को खुद को झटका लग गया, क्योंकि वहां फाइनल एनआरसी लिस्ट में बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी शामिल थी, जिसके बाद असम सरकार ही उस लिस्ट को खारिज कर चुकी। एनआरसी के साथ साथ नागरिकता संशोधन बिल लाने की भी तैयारी है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दिलाने का रास्ता साफ करेगा। सवाल यह कि क्या यह सारी कवायद वोट बैंक के लिए है? आज की बहस इसी पर। एनआरसी पर आर पार की जंग छिड़ रही है। एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो दूसरी ओर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बुधवार को अमित शाह ने संसद में ऐलान किया था कि एनआरसी को पूरे देश में लागू करेंगे, तो तीखा पलटवार करने बंगाल की दीदी सामने आई थी। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। एनआरसी विरुद्ध मार्च सिटीजनशिप अमेंडमेंट नियम को ओटा হচ্ছে আরেকটা খুরর কল। যারা এখানকার নাগরিক আছে, 6 বছরের জন্য তাদের বিদেশি বানিয়ে দেবে, তারপর 6 বছর বাদে তখন ওরা থাকবেও না, তখন নাকি ঠিক করবে কে সিটিজেন হবে আর কে সিটিজেন হবে না। আমি বলছি বাংলায় আপনারা সবাই সিটিজেন, আপনারা সবাই নাগরিক, আপনাদের সকলের অধিকার আছে। ये कोई छिपी बात नहीं कि बीजेपी एनआरसी के बहाने अवैध घुसपैठियों को बाहर करने का जो दांव चल रही है, वो ममता के वोट बैंक पर असर डालेगा। लेकिन देश भर में एनआरसी को लागू करने की जो बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है, उसके पीछे असम में एनआरसी का गड़बड़ छाला है। असम में एनआरसी की लिस्ट में 19 लाख से ज्यादा आबादी को घुसपैठिया बताया गया, लेकिन उसमें बड़ी आबादी हिंदुओं की भी थी। असम की बीजेपी सरकार अब इस एनआरसी लिस्ट को गलत बताकर रद्द करने की मांग कर चुकी है। बाय द स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री प्रतीक हजेला इन असम हैज फेल टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम। देयर वाज मेनी लेकुना वी हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट इन बोथ इन पब्लिक एंड ऑल्सो टू द वेरियस फोरम। वी आर ऑफ द व्यू that the present NRC process should be scrapped and we should be part of a national NRC process। असम का उदाहरण सामने है, लेकिन बीजेपी एनआरसी से पहले नागरिकता संशोधन बिल यानी CAB को लाने की तैयारी में है, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी भारत का नागरिक बनने के योग्य होंगे। हालांकि बीजेपी की योजना को मुसलमानों के खिलाफ बताकर ममता समेत कई विपक्षी दल म्यान से तलवार निकाल चुके हैं। एनआरसी और CAB दोनों के मुद्दों पर ये लड़ाई यहीं थमती नजर नहीं आ रही। बीजेपी को ममता को चुनौती देने के साथ साथ अपने JDU जैसे सहयोगियों का भी सामना करना होगा। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं गौरव भाटिया, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं मनोजित मंडल, वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक के तौर पर पक्ष रखेंगे। आपको बता दें राजनीतिक विश्लेषक हैं, वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं अमीर हैदर जैदी, वो नेता हैं CPI के। और हमारे साथ हैं संगीत रागी, वो RSS से जुड़े हुए हैं, वैसे वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। ये बताते हुए कि हम कोशिश करेंगे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी
हमारे साथ कुछ देर के लिए इस चर्चा के दौरान शामिल होंगे, उनसे भी कुछ सवाल सीधे पूछेंगे। सबसे पहला सवाल गौरव भाटिया मेरा आपसे, आपने अगर ध्यान से सुना हो, अभी रिपोर्ट में हमने दिखाया हेमंता बिस्वा सरमा जो आपकी ही सरकार के मंत्री हैं असम में, वो कह रहे हैं कि नहीं वो पिछली लिस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो वो ठीक नहीं है, अब हम उसको खारिज कर देंगे। तो जब आप अपना ही जला चुके हैं हाथ एक बार, ममता बनर्जी को कैसे डरा रहे फिर एनआरसी के नाम से? देखिए सबसे पहले तो रोहित जी एक बात हमें समझनी होगी, ये जो पूरी एनआरसी की प्रक्रिया है ये सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से चल रही है। और ये भी बात सत्य है जो आपने कहा कि वोट बैंक क्या साधा जा रहा है, हाँ टीएमसी हो कांग्रेस हो बाकी जो तुष्टिकरण करती है वो पार्टियां वोट बैंक ही साध रही है, क्योंकि 2005 से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एनआरसी बनाई है लेकिन इन्होंने नहीं किया। और हाँ कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इस सरकार ने एनआरसी की पहले एक ड्राफ्ट लिस्ट आई जिसमें 40 लाख लोग एक्सक्लूड हुए थे और उसके बाद 19 लाख वो रह गए जब फाइनल लिस्ट आई। और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों ने कहा है कि धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा और जो भारतीय नागरिक है उसको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर ये लोग क्यों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? आपने सर्बानंदा सोनोवाल जी की भी बात करी, मैं उसका भी उत्तर दे दूं, मुझे पता है आपका प्रश्न आया। अच्छा, लेकिन ये पृष्ठभूमि बड़ी महत्वपूर्ण, बताइए क्या अगला प्रश्न है मेरा? नहीं आपने मुझसे पूछ चुके, नहीं मैं पूछ रहा हूँ अभी। अच्छा अभी एक और बाकी, मुझे पता है कि अगला प्रश्न क्या आने वाला है। मैंने कहा आपने पूछा था मेरा सवाल, आप दोबारा पूछिए। आपने कहा धर्म के आधार पे कुछ नहीं, तो ये लिस्ट खारिज क्यों कर रहे हैं फिर? मान लीजिए इसको जो आपने गिनती कर ली तो मैं इसी बात, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के कहने से हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने असम अकॉर्ड की वजह से वहां पर करने को कहा, उसने ये नहीं कहा कि जाओ पूरे देश में गिन लो। चलिए अब मैं उत्तर दे दूं, इसके दो पहलू हैं। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि सर्बानंदा सोनोवाल जी खुद थे जो याचिकाकर्ता थे जिसमें यह आदेश हुआ, और उसके बाद ये सर्वोच्च न्यायालय को तय करना होगा कि इस लिस्ट के आगे कैसे उसका पालन किया जाए, किस तरह से लागू की जाए। सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है। आपने दूसरी बात करी कि केवल असम के लिए कहा था, तो आप यहां गलत हैं। इसलिए रोहित जी कि सिटीजनशिप एक्ट है और उसके रूल्स हैं जिसके तहत पूरे देश में एनआरसी रजिस्टर होना चाहिए। तो हमारी सरकार कम से कम ये सुनिश्चित कर रही है कि देश की अखंडता और देश और मजबूत हो, क्योंकि जब आप ये जान सकेंगे कौन नागरिक है कौन घुसपैठिया है तो उस पर कार्रवाई हो सकेगी, जो पहले नहीं हुई थी। मैं मनोजीत के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और पूछ ले। जरूर जरूर आप पूछिए। मतलब जब तक मन मुताबिक लिस्ट नहीं हो जाएगी तब तक गिनते रहेंगे क्या? अच्छा आप मुझे ये बताइए, 2005 में ममता बनर्जी स्पीकर के मुंह पे पेपर मार के भाग रही थी कि एनआरसी लागू होना चाहिए, अब पलटू राम हो गई। अरे हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि घुसपैठियों को ढूंढेंगे और ढूंढ के देश से बाहर निकालेंगे। तो इसमें धर्म कहां से आ जाता है? ओएसी की भाषा, ममता बनर्जी की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना मैंने चाहिए। एक बार भी धर्म का जिक्र नहीं किया। नहीं आप क्यों? मैंने सिर्फ ये पूछा, अभी ममता बनर्जी ने कल ही किया, जब तक पसंद नहीं आ जाएगा तब तक लिस्ट बदलते रहेंगे कि अब फाइनली मेरे मन मुताबिक है, अब इसको मान लेते केवल, या ये 19 लाख मुसलमान होते तो आप खारिज करते? हाँ, धर्म इसलिए आ जाता है क्योंकि ममता बनर्जी को यह नहीं पता है कि ये उनका क्षेत्र अधिकार नहीं है। वो कहती है एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। वो है कौन? मुख्यमंत्री है, ये केंद्र का सब्जेक्ट है। दूसरी बात, आपने कहा बदल क्यों रही है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर त्रुटियां हैं तो उसको हटाया जाए। और आप भी सहमत होंगे इस अप्रोच से कि अगर एक भी नागरिक है वो कोई भी प्रमाण दे सके, फॉरेन ट्राइब्यूनल गए, हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाए, और अगर वो ये सिद्ध कर दे वो नागरिक है तो उस लिस्ट में उसे एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। इसमें विरोधाभास कहा? विरोध केवल ममता बनर्जी ने नहीं किया, आपके अपने सहयोगी जेडीयू ने भी किया इसको लेकर। नहीं वो ठीक है, और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे और बात करेंगे। उसके पहले मनोजीत मंडल, अगर घुसपैठियों की गिनती होनी है तो उसमें दिक्कत क्या है? करने दीजिए तो डिक्लेयर करने दीजिए ना, 19 लाख घुसपैठिया, पिछला साल थे 40 लाख घुसपैठिया, पार्लियामेंट के अंदर वही साहब कह दिया था, वो गृहमंत्री नहीं थे, कि 40 लाख मिल गया, 19 लाख हो गए। कौन ठीक है कौन झूठ है बताइए? और किस तरह का हल्के से बात हो रहा है, 80 लोगों की मौत हो गई है भाई साहब, कौन जिम्मेदार है? 80 पीपल हैव डाइड, थाउजेंड्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आप कितने हल्के से बोल रहे हो कि और फिर एक बार बनाएंगे 1400 करोड़ रुपया किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, कर रहे सरकार कर रहे हैं, इतने सारे लोगों की मौत हो गई है।
पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आप लोग लगता है कि फिर और दोबारा करेंगे, ये बच्चों का खेल हो रहा है क्या? मनोज जी दादा, आप भी तो बच्चों के खेल की तरह बात कर रहे हैं, बताइए। आपने कहा पहले 40 लाख था, बाद में 19 लाख हो गया, आप ये उन लोगों का भाषा मैंने बोल रहा हूँ, बात तो पूरी कर लूँ। आप ये बताइए सच है कि नहीं, 40 लाख बोले थे कि नहीं बोला अमित शाह जी ने? बात तो पूरी कर लूँ, करो। 40 लाख की ड्राफ्ट लिस्ट थी, आपको भी पता है, लेकिन पार्लियामेंट के दिखाओ, 40 लाख फर्स्ट ड्राफ्ट था, आप जानते हैं, 40 लाख में 19 लाख कैसे रह गया जब 21 लाख ने आके डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए तभी 19 लाख रह गया ना? या उनको कोई डिस्काउंट ऑफर के कैप मिल गया? आप आओ, 19 लाख को बताओ घुसपैठिया है, बोलो डिक्लेयर करो। ये सवाल तो पूछा ना, सब करो ना, तो सब मसला ये है, अगर ये बताओ, अगर ये 19 लाख डिक्लेयर हो जाते तो क्या ममता बनर्जी कबूल कर लेती? ऑन कैमरा गौरव जी आप बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता होते आसाम में जो हुआ एनआरसी बिल्कुल ठीक हुआ, बताइए। मैं उत्तर दे सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय की ही एक लाइन पढ़ देता हूं, क्यों ये देश के, अरे सर्वोच्च न्यायालय में आपकी, आप सर्व आसाम में जो अभी आप बोल रहे थे पूरा आप कह रहे थे बीच में, आप तो आप मैं आपके एक एक करके बोल दीजिए, झगड़ा मत कीजिए ना, झगड़ा नहीं, अभी आप सुने, पूरा देश आप दोनों को बारी बारी से सुन ले, मेरे को पता है, अच्छा लगे, फिर भी बोलो, सबसे पहले आप प्लीज, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा तथ्यों पे चर्चा हो तो अच्छा लगता है। 19 लाख की फाइनल लिस्ट सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है, तय सर्वोच्च न्यायालय करेगा कि इस लिस्ट में कैसे बदलाव आए या ना आए। दूसरी बात, हमने ये जिम्मेदारी लेते हुए कहा है, और मैं प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं, कि लीगल एड हम लोग मुफ्त में प्रोवाइड करेंगे, फॉरेन ट्राइब्यूनल व्यक्ति जाए, हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके बाद ये बिल्कुल सिद्ध होगा कि कोई व्यक्ति घुसपैठिया है या नागरिक। तीसरी बात बड़ी अहम है, ये क्यों जरूरी है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह लाइन कही है कि ये जो घुसपैठिए हैं इनके लिंक पाकिस्तानी आईएसआई से हैं, और इसलिए भी आवश्यकता है कि ये हम लोग तय करें कि कौन नागरिक है कौन घुसपैठिया है। मैं लाइन पढ़ लूं आपका, इन्हीं 19 लाख के जो भी घुसपैठिए, एक बहुत सीरियस बात, प्लीज अगर आईएसआई से अभी नाम डिक्लेयर करो प्लीज, बहुत सीरियस बात, मैं पूछ रहा हूं ना, देखिए मैं लाइन पूछ रहा हूं, क्या ये यही जो घुसपैठिए हैं इन्हीं 19 लाख के लिए, जो मैं जो घुसपैठिए हैं जिसकी वजह से एनआरसी लागू हुई, तो घुसपैठिए तो ये 19 लाख साबित हो रहे हैं ना आपकी लिस्ट में? मैंने आपको फिर समझाया, एक बार फिर बोलूंगा, तो फिर दोबारा करने की क्या जरूरत है? ये तरीका ठीक नहीं है, ये लिस्ट जब फाइनल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट अंतिम मुहर लगा देगा, लिस्ट अब फाइनल है, अभी फाइनल नहीं हुई है, चल रहा है मुकदमा, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, राइट टू अपील होता है फॉरेन ट्राइब्यूनल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये लाइन महत्वपूर्ण है दर्शकों के लिए, ये धर्मशाला देश को बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस, घुसपैठिए उनके समय में आए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पाकिस्तान आईएसआई इज वेरी एक्टिव इन बांग्लादेश सपोर्टिंग मिलिटेंट्स इन असम, मुस्लिम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव मशरूम इन असम, इसीलिए एनआरसी लागू होने की तो बात करी, इसलिए जब लिस्ट में मुसलमान कम आए हिंदू ज्यादा, तो आपने कहा क्योंकि कोर्ट ने कहा था मुस्लिम मेजोरिटी से हो रहा है इसलिए मुसलमान गिनते हैं, आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आप इतने विद्वान हैं, कहीं मैंने उसी पर पूछा सर, आपने कहा तथ्य, आपने एक तथ्य रखा, मैंने उस तथ्य पे सवाल पूछ दिया, मैं आपको तथ्यों में समझा दूं। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही, जो भारतीय नागरिक है उसको चिंता करने की कोई बात नहीं, अमित शाह जी ने भी यही बात कही, अब आप सुनिए, तो अगर आप सुन ही रहा हूँ इतनी बात भाटिया जी, और इसमें हिंदू मुसलमान कैसे आ जाते हैं? आपने हाँ, पढ़ के बताया कि कोर्ट ने बोला है, जब कोर्ट ने बोला है सर exactly, तो फिर ये इनके मुंह पे साफ साफ कहने से आप डरते क्यों हैं कि हमको मुसलमान गिनने हैं? हमको गिनने ही नहीं हिंदू, बोलिए ना इनसे सामने पे, घबराते क्यों आप? मैं आपको बताता हूं क्यों, बार बार मुलम्मा चढ़ाते हैं कि नहीं, धर्म के आधार पे कोई गिनती नहीं है, तो सुनिए आईएसआई क्या है आपको पता है पाकिस्तान का? अगर वहां के कुछ मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो हमारी भारत की अखंडता को तार तार करना चाहते हैं, जी आईएसआई के लिए तो आपकी अपनी आईटी सेल का एक आदमी भी काम करता पकड़ा गया था मध्य प्रदेश में, तो उसे आप क्या कह रहे हैं? एनआरसी रोक दे, एनआरसी रोक दे, ये दो लोग एनआरसी ना, बिल्कुल आ जाइए, लेकिन उसे एनआरसी रोक दे, 30 सेकंड, ओके बोल लीजिए, वो बहुत बड़ा वकील सबको पकड़ते हैं, अगर ये लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रूव कर दिया आप लोग मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं, ये लीजिए, असम में असम में असम दीजिए, मिनिस्टर का क्या, सुनिए एक बार, दोबारा बनाएंगे कह रहे हैं ना, अरे इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को इच्छा अनुसार नहीं होते, आप मान लेंगे, जरा इनको बोलने दीजिए, अब जरा जैदी साहब आप चुपचाप बैठे, इनको बोलने दीजिए, अमीर हैदर जैदी बोलिए, आपको क्यों विरोध है इस बात से कि देश में घुसपैठियों की गिनती हो? घुसपैठियों की गिनती हो, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, इसमें किसी भी देश के नागरिक को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पे दर्ज हो जाती है जब ये
एक उसे इम्प्लीमेंट करने का जो इनका ये तरीका नज़र आता है, ये नज़रिया नज़र आता है। अभी गौरव भाटिया कह रहे हैं हम कानूनी सहायता देंगे लेकिन धर्म देख के। किसने बोला? अरे जर्नलिस्ट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बोलूंगा, आपत्ति दर्ज करूंगा। ये किस, मैंने बोला आप रिवाइंड करके चलाइए, नहीं हुई थी क्या? मैंने ये बात बोली? मैं बाबा उस पर मुकम्मल मुकम्मल कर रहा हूं, मुकम्मल कर रहा हूं। अगर ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आपको फिर मौका मिलेगा। मौका नहीं, मेरे बैठे संगीत गलत बात नहीं बोली, हम भी बैठे ना यहाँ पे, बस आप रिकॉर्ड कर, गलत बोलेंगे तो आप एक बार साइन करिए। आप जहाँ जहाँ पकड़ेगा आपसे पूछा ना सर, ये भी पकड़े जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि इनको खुला मैदान है, जितना मर्जी शॉट खेले। ये चैलेंज करो, गलत बात नहीं बोलिए। वो इसलिए कह रहा हूं कि धर्म देख के, कि जब गृह मंत्री जी अपने एक बयान में ये कहते हैं कि 19 लाख जो बांग्लादेश आसाम के अंदर घुसपैठिए घोषित किए गए हैं, उनमें से 12 लाख को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हिंदू हैं। और मैं गृह मंत्री का बयान कोट कर रहा हूं, आपका नहीं कर रहा हूं, आप चुप बैठ जाइए। इनसे बुलवाइए, इनसे बुलवाइए भाई, गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए, अगर मैं सुन लीजिए, मैं गलत कर रहा हूं, तुम्हारे तो एफआईआर बयान है ना, आपके पास करेक्ट बयान है उनका? बिल्कुल है, और मैं बताऊं, ये गलत बता लें फिर आप सही बता दीजिएगा। बोलिए, गलत बयान क्या बोलते हैं? ये गलत बताएंगे तो खुद ही एक्सपोज होंगे ना सर। ठीक है, बोलिए कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। हम नागरिक संशोधन बिल लेके आ रहे हैं जिसमें से हिंदू सिख ईसाई जैन इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हें हम देश की नागरिकता देंगे। 12 लाख में से 8 लाख को हमने, 19 लाख में से 8 लाख जो हैं, जो मुसलमान हैं, वो अपना हिसाब किताब देंगे। यानी कि आप कुल मिला के अभी आपके जो समरी आपने दिए कि असम के अंदर खुद बीजेपी फंस गई, वो इसीलिए कि उसमें हिंदू ज्यादा आ गए। अगर ये सिर्फ, मैं बड़े आप एक अपना पार्टी का स्टैंड क्लियर अपना कर रहा हूं, अगर सिर्फ यह एनआरसी मुसलमानों को परेशान करने के लिए की जा रही है और इसमें सरकार की नीयत सही नहीं है, तो अमीर हैदर जैदी एज ए मुस्लिम यह ऐलान करता है कि मैं एनआरसी रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने नहीं जाऊंगा। ठीक है, मत करें। वो पहले मुझे बांग्लादेशी घोषित करें, और ये भी अपील करूंगा कि एक भी मुसलमान को एनआरसी रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम नहीं जाएगा तो फिर ये कहिए ना, फिर ये कहिए एक सेकंड, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे हैदर जैदी, आपने पढ़ा नागरिकता संशोधन बिल में क्या लिखा है? गृह मंत्री का बयान मैंने सुना। आपने पढ़ा नागरिकता संशोधन बिल में क्या बातें आ रही हैं? कहीं पढ़ा आपने अभी तक कि क्या सरकार कह रही है, किन लोगों को हम नागरिकता प्रोवाइड करने को तैयार हैं और किन को नहीं? आपने पढ़ा कि आप केवल यहां बैठ के हवा बनाना चाहते हैं कि मैंने ऐलान कर दिया मैं ऐसा कर दूंगा? पढ़ने के बाद चुनावी रैली हो रही है? पढ़ने के बाद का है, पढ़ने के बाद का है, बताइए क्या लिखा है उसमें? सुन लीजिए, सरकार क्या लिखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान इनसे जो माइनॉरिटी के लोग वहां पे होते हैं, और उन्होंने क्लियर किया है बौद्ध जैन हिंदू, ये अगर वहां से आते हैं तो उन्हें हम नागरिकता देंगे। उसमें साफ लिखा है धार्मिक कारण से उत्पीड़न के शिकार होकर, धार्मिक कारण से उत्पीड़न के शिकार होकर, तो उत्पीड़न तो मुसलमान का भी हो सकता है। तो नेपाल में कौन है? नेपाल में मुस्लिम अल्पसंख्यक देंगे मुसलमानों को? श्रीलंका में अल्पसंख्यक मुसलमान देंगे? मुसलमान अल्पसंख्यक देंगे? एक सेकंड, नहीं देंगे। एक सेकंड, मसला अल्पसंख्यक का नहीं है, मसला उत्पीड़न का है। उत्पीड़न शिया कम्युनिटी का हुआ पाकिस्तान के अंदर देंगे? माइनॉरिटी मेंशन, कादियानी का हुआ देंगे? माइनॉरिटी मेंशन है उसके अंदर। अब बोलिए संगीत रागी, कंफ्यूजन कहां है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि एनआरसी पर आपको दिक्कतें होनी ही नहीं चाहिए। आपको 1951 से ये बात थी कि भाई हम एनआरसी लाएंगे, आपको बीच में ही आना चाहिए था। अब जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के दायरे के अंदर है, हमको ये मत भूलना चाहिए कि इस देश में 200 से ज़्यादा बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़े हैं, कहीं छोटे कहीं बड़े। यदि आप ईस्ट कोस्ट रोड पर चले जाएं वहाँ पर हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर चले जाएं वहाँ पर हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और तो उनकी जनसंख्या जिसके बारे में बार बार कहा जाता था कि वो आसाम तक अब सीमित नहीं है, आसाम से ही बचने के लिए वो देश के विभिन्न राज्यों में आकर के, यदि हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं तो वहां भी बांग्लादेशी पॉकेट्स आकर के बस गए हैं। इसलिए ये कहना कि ये समस्या गंभीर नहीं है, ये वाकई हमको आश्चर्यजनक लगता है। दूसरी बात, कल जाकर के यही बांग्लादेशी पॉकेट्स जो हैं वो भारत विरोधी कार्यों में लगे हों
तब हम क्या करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? दुनिया का ऐसा कौन है? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक टर्किश के मेड को वहां पर एक इंडिया में एम्बेसडर नियुक्त करना चाहते थे, क्योंकि उसको सीनेट ने अप्रूव इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने टर्किश मेड को 6 महीना, इलीगल माइग्रेंट्स थी, उसको 6 महीने अपने घर में रखा था, इसलिए वो भारत में उसे राजदूत अपॉइंट नहीं कर सके, सीनेट ने रिजेक्ट कर दिया। इस देश में करोड़ों बांग्लादेशी आकर के रह रहे हैं, यहां पूरी डेमोग्राफी चेंज हुई है। दिल्ली के अंदर 1996 में आया था कि 7 लाख बांग्लादेशी आकर के रह रहे हैं डिफरेंट एनसीआर के जो लोकेलिटीज है, ये पूरे डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। तो इसलिए दिक्कत कहां होती है? दिक्कत यहां होती है जहां आप एक सेकंड, जहां आप पहला पायलट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसमें आप फेल हो जाते हैं, आपकी अपनी सरकार उसमें हाथ खड़े कर देती है कि साहब ये तो गलत हो गया। दिक्कत वहां होती है जहां वो आदमी जो आपके लिए करगिल में लड़ाई लड़ चुका है उसको आप डिटेंशन कैंप जाने की सलाह दे देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे कागज पूरे नहीं क्योंकि तुम इस देश के नागरिक नहीं। रोहित जी यदि आप ध्यान देंगे तो 1971 से पहले जो थे उनको सभी को हम लोग नागरिकता दे चुके हैं, और उसके बाद यदि आज हम देखें तो कम से कम 2 पीढ़ी ऐसी है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि उनके पास बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट्स आज के दिन में आ गया हो। आपका आपके आईबी का ही रिपोर्ट है, आपके गवर्नर की रिपोर्ट है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर का ये रिपोर्ट है कि वहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा करके जो मुस्लिम है पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल मैं आपको बता दूंगा प्लीज, बीच में सबसे ज्यादा फर्जी पश्चिम बंगाल के सीमा में मिले थे, प्लीज प्लीज दिखाइए रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में मुस्लिम लोगों ने गवर्नर का रिपोर्ट दिखाया, आपने गवर्नर के बारे में बात की, भाई टीवी राजेश्वर का गवर्नर दिखाइए, हिंदुस्तान का रिपोर्ट गवर्नर का, भाई दो आर्टिकल लिखा है गवर्नर इस तरह का रिपोर्ट कब भेजे दिखाइए, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है बैक टू बैक हिंदुस्तान इस तरह का बात किया हुआ है। मुझे एक सवाल, इस तरह का गवर्नर की रिपोर्ट कहा कि सब इलीगल सर्वाइवल टीवी राजेश्वर बनाया जा रहा है, प्रोफेसर फर्जी डॉक्यूमेंट असम में बनाया जा रहा है जिसको ट्रांसफर किया गया जो एनआरसी का कोऑर्डिनेटर थे, आपको पता नहीं चिल्ला क्यों रहे मनोज जी? मैं तो कोट कर रहा हूं आपको, आपस में क्यों लड़ना, मैं आपको दर्शकों से बात नहीं, वो कुछ भी बोल रहे आप दर्शकों से मुखातिब, अरे मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर, एक सेकंड ये कैमरा लगा है आपके लिए सामने, आप दर्शकों से बात कीजिए, दर्शकों को बताइए, हो सकता है ममता बनर्जी भी देख रही हूं आपको, उनको बताइए क्यों आपको या ममता बनर्जी को ये लगता है या टीएमसी को ये लगता है कि घुसपैठियों की गिनती होगी तो मुसलमान ही पकड़े जाएंगे, क्यों लगता है आपको ऐसा? किसने कहा है? आपकी बातों से ये शक होता है? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ असम में? बीजेपी वाले वैसे आप ममता बनर्जी के सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पैरवी में भी आप पहले खड़े हो जाते हैं, अरे वो है ना बोलने के लिए, उनको बोलने दीजिए पहले, या आपको पहले सवाल का जवाब देना है कि मैंने मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया तो मैं बोलूंगा पहले, कोई ठेकेदारी नहीं ना आपकी सर मुसलमानों की, उनको बोलने दीजिए पहले, बोलिए 19 लाख में आसामीज भी है मुसलमान हिंदू, अरे अरे बात करने दीजिए, पश्चिम बंगाल के बारे में 30 लाख से ज्यादा हिंदू है, ये कोई मुसलमान हिंदू का बात नहीं है, ये बिल्कुल एकदम मानवीयता के खिलाफ है। अब देखिए जो जेन्युइन सिटीजन आप ही का अभी कोट किया ना, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं, अरे आप दिल्ली में होगा तो आपका नाम भी नहीं हो सकता, कोई भी आए बस जाए रह रहा हो धर्मशाला बन जाए हिंदुस्तान, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं कह रहा है, लेकिन वो 19 लाख कोई भी है क्या आप बता सकते हो? अगर ये कहते नहीं नहीं मेरे अगर आपकी सरकार ये कहती, ये प्रूवन बियॉन्ड डाउट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट 19 लाख घुसपैठिया है, नहीं है ये प्रूवन नहीं हुआ, और आप देखिए विरोधाभास देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं मामला किया, इन लोगों ने खारिज कर दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, इन लोगों ने खारिज कर दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये कहते दोबारा होगा इसका मतलब क्या होगा? अगर तृणमूल कांग्रेस ये कहती मनोजीत मंडल के इस प्रक्रिया क्यों होगा, एक सेकंड दोबारा असम में एक सेकंड ना, कि इस प्रक्रिया में खामियां हैं, प्रक्रिया को तरीका बदलिए, हम तैयार हैं उसके लिए, तो समझ में आता था, लेकिन आपने तो कहा हम तो करने नहीं देंगे, हमारे यहाँ तो होने नहीं देंगे, हमारे यहाँ तो संभव ही नहीं है, बात कर रहे हो क्यों? मैं डिबेट में पिछले 1 सालों से एक ही बात कह रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया, फर्स्ट ड्राफ्ट निकलता अगस्त में, पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया, बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस गलत, पूरा फाउंडेशन इज गलत, द फाउंडेशन इटसेल्फ इज रॉन्ग, क्या फाउंडेशन में गलत है? मैं रोहित जी ठीक है, मैं आपसे जान बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे आप बोलिए बिल्कुल ठीक है, मैं आप क्यों खारिज कर रहे हो, मैं आप क्यों खारिज क्यों दोबारा करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला गया ही नहीं, आप दोबारा करना चाहते हो, बस बस आप लोग दिन को रात बना देते हो, देखिए इस देश में जनसंख्या, इस देश में जनसंख्या का धार्मिक असंतुलन भी कहीं से वाजिब नहीं है,
इसकी मैं मुखालफत करता हूं। इस देश का एक विभाजन हो चुका है, बात तो खत्म हो, इस देश का एक विभाजन हो चुका है। भारत 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 बांग्लादेश बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स को झेलने की क्षमता नहीं रखता है। हम इतने इतने माइग्रेंट्स को अपने यहां नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ओके, गौरव भाटिया बोलिए। देखिए किस तरह से भ्रम फैला वो कह रहे हैं कि हमें एनआरसी से ऐतराज नहीं है, प्रक्रिया से ऐतराज है। बिल्कुल, ये बात उन्होंने कहा। हां, मैं सुन लिया। सबसे पहले ममता बनर्जी की बात करते हैं। ममता बनर्जी को क्या ये कहना सही है कि अगर एनआरसी लागू हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा? 2005 में खुद ही पेपर मार के कह रही थी एनआरसी लागू होना चाहिए, पलटी मार ली। दूसरी बात, मान लीजिए इनको लगता है कोई चीज उचित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई भी नहीं है, एक याचिका लगा दे, ममता बनर्जी सुझाव दे दे कैसे सुधारा जा सकता है, ये तो इनकी बात हो गई। लेकिन क्योंकि ये हमेशा से एक धर्म विशेष को अपना वोट बैंक मानती है, भारत में वोट बचे नहीं तो बाहर से लोगों को ला के उनको अपना वोट बैंक बना लेंगी, यही शायद इनकी सोच है। अब दूसरी बात, कंफ्यूजन कहा है आपने, बार बार पूछा, मैं आपको बता दूं, एनआरसी और जो नागरिक संशोधन बिल है इसमें फर्क है थोड़ा सा। एनआरसी पे क्या कहा है, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू है 12 अगस्त 2018 को, उन्होंने कहा है कि मैं ये हर नागरिक को भारत के पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि किसी को भी देश नहीं छोड़ना पड़ेगा और हम आपके साथ हैं, आप प्रमाण दीजिए, और मैंने आपको अपील का फोरम बता दिया। अमित शाह जी ने कल क्या कहा, उन्होंने कहा है एनआरसी किसी भी धर्म के लोगों को डराने के लिए नहीं है, किसी को इससे नहीं डरना चाहिए। अब इसके बाद क्या बचता है, क्यों हिंदू मुस्लिम इस पर बात हो रही है? अब तीसरी बात पे आते हैं, आप मुझे बताइए राष्ट्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या नहीं है? अगर महत्वपूर्ण है, एनआरसी लागू करो तो इनको दिक्कत, रोहिंग्या को बाहर भेजो तो इनको दिक्कत, अनुच्छेद 370 इसलिए क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, हर चीज में हिंदू मुसलमान के चश्मे से ये हर क्यों मुद्दे को देखते हैं, ये आज बड़ी बात है जो देश पूछ रहा है। घुसाया इन्होंने और हम कार्रवाई कर रही है, उसके बाद दिक्कत है। सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल। आपके हिसाब से जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ठीक है एनआरसी की? मैं एक चीज आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, आपकी मेरी सबकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए, जब वहां पे याचिका सुनवाई हो रही है, रिपोर्ट तो खारिज कर दे रहे हैं, गलत गलत तरीके खारिज कर दे, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं उत्तर तो मांगिए भाई साहब, रुक जाइए, ये लिस्ट तो खारिज कर दिया गया, आप हर चीज को खारिज कर देंगे सर? हां, दोबारा बनाएंगे ना? रुकिए ना सर, काल निकाल, अरे आप ये बताओ, बात तो पूछ ली तो कहा साहब, बात सुन तो, दोबारा बनाएंगे आसाम में, एक सेकंड रुक जाइए, उसका मतलब क्या होता है, एक सेकंड रुक जाइए, मतलब मैं समझता नहीं हूं, थोड़ा धैर्य तो रखिए, मैं इसका भी उत्तर दूंगा, लेकिन आपके प्रश्न का पहले उत्तर, ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा प्रक्रिया ठीक है, एनआरसी आसाम, एनआरसी आसाम, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, आपका उत्तर में कुछ पंच दे रहा हूं, मेरे जितने आपके दर्शक हैं ये लोग सहमत होंगे, सुनिए, एनआरसी आसाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट जाती है सर, और वो उसमें सुधार भी बताते हैं, कभी अभी बताते हैं, और जो एनआरसी पूरे देश की बात करी देश के गृह मंत्री ने, उस पर भी मैं एक बात कह दूं, जब एनआरसी पूरे देश का होगा तो उस प्रक्रिया में आसाम भारत में ही, हिमंता बिस्वा सरमा ने सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन आए बगैर ये घोषणा कर दी कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको तो दोबारा करना। देखिए मैं एक चीज फिर से, या तो दिल्ली में एनआरसी और असम में बैठ के नेता के एनआरसी, उस पर दोनों में आपकी पार्टी में ही मतभेद है, नहीं आप क्या है ऐसा कि अमित शाह कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन जहां जमीन पे गिरना पड़ रहा है हिमंता बिस्वा सरमा को, उनको चिंता हो रही है कि तो हमारा ही वोट कट रहा है। जब हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने एक बात कह दी एनआरसी पे, मैंने आपको स्पष्ट भी कर दिया, तो उस प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई होगी, और अगर किसी और नेता को कोई कमी लगती है तो मैंने आपको बताया, हर किसी का ये हक है कि वो, मैं अगर ममता बनर्जी के लिए कह रहा हूं असम के एनआरसी के लिए कोई सुझाव है तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने रख सकता है। हर चीज में मुसलमान क्लैरिटी है पूरी तरह से, इसमें कंफ्यूजन कहां है? हर चीज में मुसलमान क्यों ढूंढते हैं? रोहित जी हम नहीं ढूंढते, मसला ये है कि अगर किसी राज्य में, तीन उदाहरण दिए, सुन लीजिए, किसी रोहिंग्या पे आप ही सबसे आगे खड़े थे कि नहीं मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, एनआरसी में आप ही कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, नागरिकता संशोधन बिल में आप ही ने कहा कि केवल मुसलमानों को निकालने के लिए किया जा रहा। रोहित जी किसी राज्य में चुनाव होता है, अगर वहां रोहिंग्या का मुद्दा उठाने के बाद बीजेपी को फायदा होता है तो उस दौर में रोहिंग्या रोहिंग्या चलता है, उसके बाद वहां चुनाव खत्म, रोहिंग्या समाप्त। कहां जीती बीजेपी रोहिंग्या? क्या क्या सुन लीजिए, आज कहां चुनाव जीता बीजेपी? कश्मीर के अंदर जब मसला चल रहा था तो रोज रोहिंग्या पे डिबेट होती थी, कश्मीर का मामला हुआ, रोहिंग्या आज नहीं है, मदनपुर खादर में रहते, क्यों पहचान नहीं कर लेते, कौन समर्थन करता है विदेशी नागरिक का? आपने कर रखी है पहचान?
क्यों बिल्कुल जानते हैं, ये भी जानते हैं, स्थानीय पुलिस को पता है ना? सर कैंप है, सर कैंप है, सर कैंप है, ठीक है सर कैंप है, स्थानीय पुलिस को पता है। रोहिंग्या पूछ रहा हूँ, मैं भी तोड़ दे रहा हूँ, क्यों नहीं करते? रिपोर्ट हुए कि नहीं हुए? बोल रहे हैं ना, सुन लीजिए, क्यों नहीं करते? लेकिन बता रहा हूँ आपको, मसला ये नहीं कि इनकी नीयत साफ नहीं है ना, इनका तरीका साफ है। अगर गृह मंत्री ये कहते, मैं तो फिर बाहर गृह मंत्री कोट कर रहा हूं कि साहब एनआरसी लागू कर रहे हैं, देश के नागरिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही तो कहा देश के, एक मिनट पढ़ दो भाई, बीच में बोल रहा था अमित शाह जी ने कहा देश को एनआरसी किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, कल की लाइन है। आप प्रोसीडिंग देखिए पार्लियामेंट की, हिंदुओं को घबराने के, आप पहले एनआरसी वोटों को नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं तो झूठे इंसान, जब इनको फर्क ही नहीं पता तो उनसे चर्चा कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? क्या आप भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो क्या करेंगे? बताइए वो यार, इनका तुम आप बताइए किस चीज का संशोधन हो रहा है? आप आज का नाम नहीं, एनआरसी का फुल फॉर्म बताइए, चलिए सारे व्यूअर्स को बताइए, अच्छा लगेगा। आरएसएस तय करेगी, एनआरसी का फुल फॉर्म बताइए, एनआरसी एनआरसी शब्द बार बोला, आरएसएस तय करेगी, एनआरसी का फुल फॉर्म बताइए, नहीं बताएंगे? देखा आपने, एनआरसी में भी चर्चा करेंगे, विश्व की अर्थव्यवस्था में भी चर्चा करेंगे, पता नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सहसंबंध एनआरसी बताइए, एनआरसी का फुल फॉर्म बताइए, और किस जानता हूँ किस प्रावधान में संशोधन सिद्धांत बताइए, ये लीजिए मुसलमानों का, मुसलमान अरे देश के नागरिक है, उसके से ऊपर कोई नहीं है, जान लीजिए आप, हर चीज में हिंदू मुसलमान बेकार की बातें करते हैं, देश 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 की अखंडता से बढ़ के क्या ये हिंदू मुसलमान है? बात नहीं करते, अगर आप घुसपैठी है चुन चुन के भागेंगे और निकालेंगे, हम प्रतिबद्ध है, हम प्रतिबद्ध बता रहे हैं, देश पर बात हो गया, हर चीज में मुसलमान मुसलमान, अरे हमारे भाई है हिंदू मुसलमान, एक ही कानून से चलेंगे, अब हो गया देश एक कानून, देश के प्रथम राष्ट्रपति का बच्चे हो गया, एनआरसी रजिस्टर में दर्ज नहीं होते, आज के स्टेटस बताइए 19 लाख कैसे हुआ, 40 लाख आप लोगों का हो गया, शरीफा भाई बोल रहे बीच में, गलत बयान दे रहे, आप लोग का हो गया, गृहमंत्री जी के नाम पे गलत बयान दिया जा रहा है, कल का पार्लियामेंट का गौरव एनआरसी और फर्क जानिए, गौरव भाटिया एक सेकंड, आपको सिर्फ इतना पता है कि देश कैसे चलाया जा सकता है, अमीर है प्लीज, अमीर हैदर जैदी प्लीज, यहाँ इस बात पे बहस नहीं हो रही कि आप लोगों ने कैसे दुनिया में राज किया, कैसे लोगों को गर्दनें कटवाई, या आरएसएस के राज में इस समय क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड प्लीज, टिप्पणी गलत है, आपकी ये टिप्पणी गलत है सर, कब कराई प्लीज सर, और आप तो चाहते हैं कि इससे बहस हटकर किसी और चीज पे चली जाए, बिल्कुल मैं नहीं होने दूंगा, बिल्कुल आप चाहते हैं कि इससे बहस हटकर किसी और विषय चली जाए, वो मैं नहीं होने दूंगा, कुल मिला के गुजरात दिखाऊं, आप एक काम कर लीजिए, मलयाला गिराओ, आप एक काम कर लीजिए, नहीं आप एक काम कर लीजिए सर, कितने गिराओ सर, सुनिए ना, ये सब आरएसएस के, आप एक काम कर लीजिए सर, टेबल पे चढ़ के नारा लगाइए अगर ऐसा ही करना है, देखिए ये कोई रैली थोड़ी हो रही जंतर मंतर पे आपकी, क्या चिल्लाने लगेंगे आप बैठ के, आराम से बात कर लीजिए कम से कम, अगर अपने आपको नेता कहते हैं जनता को बताइए तो क्यों क्यों नेता है, इसलिए नेता है क्या, बस प्लीज सर बताओ ना प्लीज, संगीत रागी बोलिए अपनी बात, देखिए देखिए रोहित जी, पहली बात तो कि जो कुछ भी इस पर निर्णय करेगा वो भारत की संसद करेगी, ना कि भारत की सिर्फ सरकार करेगी, जब भी ये नागरिकता संशोधन होगा वो संसद पटल पर आएगा और इसका निर्णय संसद करेगी, 370 को लेके बाद आपने संसद, नहीं नहीं सर सुनिए मेरी बात, आपने बताया ही ना संसद को कि हमने कर दिया, सर आप संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में आप क्या कहेंगे सर, बनते हैं ना इस बात को सर, या तो फिर ये बात सरकार को कहनी चाहिए कि अब हमारा बहुमत है, हम अपनी मर्जी के फैसले ले सकते हैं, हमने तय किया कि ये नागरिकता संशोधन हम कर रहे हैं, सर खत्म हो जाएगी फिर सर, फिर ये वही करेंगे जो 370 पे कर रहे थे, सुन लीजिए मेरी बात, नहीं 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 सुन लीजिए, इस संसद इस देश के मन का प्रतिनिधित्व करता है, यदि संसद कल तय करती है कि अफगानिस्तान से रिफ्यूजी आएगा हम उसको नहीं सिटीजनशिप देंगे, यदि वहां कश्मीर से नहीं करेगा, आया हुआ सांसद अपना कुर्ता फाड़ के विरोध भी कर रहा था जब 370 हटाने का ऐलान किया गया था, आपको डेमोक्रेसी में बहुमत ही तो तय करेगा, आप इसके अतिरिक्त और कोई अच्छी प्रक्रिया बता दीजिए, नहीं होगा, गौरव भाटिया जी को ये सलाह आपको देनी चाहिए, नहीं 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 कि ये कहें
कि हमारा बहुमत है, हमने तय किया कि जैसे नौ संशोधन पहले हो चुके हैं नागरिकता बिल में, हम दसवां कर रहे हैं। सर देखिए, ये तो बोलने की हिम्मत तो रखे दे, देखिए देखिए सरकार 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 वही करेगी जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होगा। दूसरी बात, ये अमीर जैदी जो बात कह रहे हैं कि मुसलमान के नाते मैं उस पर नहीं करूंगा, मैं एनआरसी के डेटा में अपना नाम नहीं दूंगा, ये एक प्रकार से मुसलमानों को विद्रोह के लिए सड़क पर लाने के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये हिंदुओं को बिल्कुल गलत बात है, जैनियों को ये मत बोलिए, ये आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ठीक है, हम उन्हें समाज आपने कभी सोचा इस देश का बंटवारा इस देश को इस राज में कर चुका है। अमीर हैदर जैदी सुनिए, अमीर हैदर जैदी मुसलमानों के नाम पर ही इस देश का विभाजन हुआ है, इसलिए यदि हिंदू वो भी तुमने किया है, वो भी तुमने किया है, हिंदू महासभा जिनको लेके आए थे, हम नहीं चाहते आज दूसरे पाकिस्तान की नीति को लेके आए थे, ये तुम्हारा काम है देश के बंटवारा करने का, मेरा नहीं है, आपको दर्द होगा, मेरा नहीं है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड, जिन्ना ओवैसी इनके नाम लिए बगैर आपको नींद नहीं आती है और आप दावा ये कर रहे हैं कि ये दोनों किसी और ने खड़े किए थे, सर मुद्दा आज के पे क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते आप? सीधे सीधे तौर पे जो आज बात हो रही है, आप केवल हल्ला मचा के, हंगामा मचा के, शोर मचा के बाहर जाके ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि मुसलमानों का असली ठेकेदार मैं ही हूँ, ये ओवैसी ओवैसी को भूल जाओ, मेरे आगे कोई खड़ा नहीं है, मुसलमान की जब बात आएगी तो मैं नारा लगाऊंगा। सर नारा लगाने के लिए नहीं बुलाया आपको सर, रोहित मुद्दे पर आपने बातें जिस तरह की है उससे ये बात साफ तौर पर दिख रही है, आप उसके बाद कितना मर्जी बताइए, सफेद कुर्ते पे दाग सबसे पहले लगता है, इस बात को जान के रखिए, उनको बोलने दीजिए थोड़ा सा, वो बहुत देर से चुपचाप सुन रहे हैं, हल्ला करना उनको भी आता है, आप लोगों ने खूब अनुभव किया। नहीं नहीं, मैंने मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि एक एक स्टेट में 27% एक खास समुदाय की जनसंख्या एकाएक वृद्धि हो जाती है, तो ये कौन सी रफ्तार है बर्थ रेट का सर, तो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाइए ना, सुन लीजिए, नहीं जनसंख्या नियंत्रण बिल लाइए ना, क्या जनसंख्या वो लाने में तो संतुलन यदि वो लाने में तो सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही। एक मंत्री रोज सुबह उसके ट्वीट करता है कि आज देश की आबादी इतनी हो गई, लेकिन संसद में बिल नहीं लाता कोई। रोहित जी जनसंख्या नियंत्रण करते चलिए, रोहित जी जनसंख्या पॉलिटिकल डेमोग्राफी को बर्बाद करती है, कल्चरल डेमोग्राफी को ये अनसेटल करती है, और इसकी इसके इसके जो इसके जो दुर्गामी परिणाम इस देश पर होंगे वो सब कोई जानता है, इसलिए इसका विरोध आवश्यक है। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी अगर सरकार चुन के आती, सर क्योंकि एक केस स्टडी है, ममता बनर्जी सिर्फ संगीत रागी जी, क्योंकि केस स्टडी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस समय मोर्चा खोला है, क्योंकि बहस उनकी बात को लेकर हो रही है, तो ये सवाल पूछना मेरा जरूरी हो जाता है, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी अगर बंगाल में जीत के आती है तो सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीत के आती है, हिंदू वोट नहीं करते उनको? हिंदू वोट करते हैं लेकिन मजबूरी में करते हैं, डर के करते हैं, मार के करवा जाता हूँ। आपने कमलनाथ का सुना था ना, मध्य प्रदेश में 90% मुसलमान आए और वोट दे कांग्रेस सरकार तो फिर भी उन्हीं की, यही काम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही है, और इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू यदि मुस्लिम पोलराइज हुआ तो हिंदू भी बंगाल का पोलराइज होगा, इसमें आप खारिज नहीं कर सकते, यही आप करना चाहते हैं, तब आप नहीं, आप बोलेंगे कि यही आप करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, यही आप करना चाहते हैं, माइनॉरिटी माइनॉरिटी के तौर पर पोलराइज करेगा तो यही बात हो रहा है, पोलराइज करेगा, गुस्सा नहीं करना, ये मत कीजिए, नहीं ये मत कीजिए, अच्छा एक सेकंड, आपस में ठेकेदारी लेकर आपस में नहीं, आपस में आपस में नहीं प्लीज। तो मेरा सवाल अब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि आप लोग यही चाहते हैं कि अमीर हैदर जैदी टीवी पर जोर जोर से चिल्लाएं मुसलमान मुसलमान, और फिर मुसलमान एक तरफा हो तो हिंदू भी एक तरफा हो जाए, बिल्कुल यही तो, केवल यही, क्योंकि गिनती को तो आप लोग मानते नहीं, गिनती आपने खुद की, उसके बाद सवाल उस पर खुद ही कर दिया। मैं तो सामान्य समीकरण बता रहा हूँ, यदि एक्स एक्स वेरिएबल में परिवर्तन होगा तो वाई में परिवर्तन होगा। अब बोलिए, यदि मुस्लिम पोलराइज होंगे आपका तो मसला ये हो गया, स्विच दबाइए, आपका तो मसला ये हो गया कि अभी तक ममता बनर्जी को बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा है नहीं, वो ममता बानो कह के संबोधित करने लगे थे टीवी पर, क्योंकि उन्होंने एक लेबल लगाया ममता बनर्जी के माथे, जिसको उतारने के लिए ममता बनर्जी पिछले 3 दिन से लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर निशाने साध रही है बजाय बीजेपी के, जैसे सबसे बड़ा चुनाव लड़ने वाला सामने असदुद्दीन ओवैसी है पश्चिम बंगाल में। देखिए रोहित जी, एनआरसी पे बात हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं इस देश में अगर एनआरसी लागू होगा तो इसका मतलब यही होगा, वो साहब ने जो कहा है संसद में,
इस देश में कोई चुने हुए कोई डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, चुने हुए ऑटोक्रेसी। अब ये तो मतलब बिल्कुल आसाम आसाम एक्सपीरियंस के बाद, अरे अरे बात करने दीजिए, दूसरा करें आसाम एक्सपीरियंस के बाद अगर एनआरसी होगा से ममता बनर्जी चुन के आती है, उसी व्यवस्था से नरेंद्र मोदी चुन के आते हैं। ये एनआरसी की तरह बात मची है, ये मत कहिए कि मेरी सरकार सरकार है दूसरी की सरकार बेकार है। इतने सारे लोगों की मौत हो गई है, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत है, गलत तरीका है, बिल्कुल गलत है। आप पहले जैसे आपकी सरकार चुनी गई वैसे इनकी चुनी गई, आसाम की जनता से बात केंद्र में, अरे देश छोड़ने के बात कर रहे हो, दुनिया छोड़ के लोग चले गए एनआरसी के बाजे में, आप क्या बात करते हो सर? आपकी सरकार सरकार दूसरे की सरकार बेकार, मतलब कौन कह रहा है? आपने तो खुद ही कहा है कि ये सरकार इस तरह का सरकार से हरकत नहीं होगा सर। कैसा हुआ मंगल में इस तरह का हरकत जिसमें जो जानलेवा होगा, जो सरकार पड़ता है कि जान ले ली जाएगी बाहर निकला तो सुने पार्टियों के लोग तो चुनाव लड़ने का सपना था, भागते घूमे छुपते घूमे कि मार देंगे चुनाव लड़ने का पता लग गया तो कैसी आप बात कर रहे हैं? गौरव भाटिया इसके साथ ये क्या तालुका थे? क्यों नहीं तालुका थे? अरे आपने अपने सभी 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 पार्टियों का सर सभी पार्टियों का लोग मरा है। नहीं नहीं सभी पार्टियों का लोग मरा है। गौरव भाटिया क्या ये बेहतर नहीं होता कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाते या गृह मंत्रियों को बुलाते, उनके साथ चर्चा करते, उसके ऊपर एक विचार बनाते, एक सहमति बनाते और उसके बाद ये कहते कि हम देश में ऐसा वाला आपने पूछा? एक सेकंड, मैं थोड़ा मैं रोज पूछता हूं, खड़ा होकर पूछा, लेकिन आप अभी एक ही सवाल पूछा। अब देखिए ऑटोक्रेसी के बारे में रोज पूछता हूं, आप सुनते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं लगता। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूं, जहां नागरिकता संशोधन बिल की आपने बात करी तो लोकसभा में जनवरी में ये पास हुआ था, उसके बाद जो है ये राज्यसभा से पास नहीं हुआ जो प्रक्रिया, इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि नीतिगत तरीके से जहां पे भी बाकी धर्म के लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं एक इस्लामिक देश है, बांग्लादेश में कौन बहुल्य है, वहां पे भी मुसलमान बहुल्य आबादी है, तो अगर वहां हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो हम शरणार्थी की अपने पॉलिसी के तहत उनके देखेंगे। इन्होंने लेकिन पूछा श्रीलंका में मुसलमान अल्पसंख्यक है, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। मैं अपनी बात पूरी जरूर करना चाहता था, उनका सवाल है इसलिए मैंने पूछा, जवाब दे दिया। उनके सवाल ही है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं देना है, सरकार आपकी है ना, इसका ये मतलब उत्तर देना आपका जिम्मा है, सरकार आपकी है। आपको विपक्ष की भी बराबर की जिम्मेदारी है सर, उत्तर देना लेकिन आपका काम है। मैं दे रहा हूँ, मैंने आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन ये कहना कि विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है या प्रदेश की सरकार की मुख्यमंत्री कहे गृह युद्ध हो जाएगा देश में, बुला के पूछे उनसे, आपने बिठाया चाय पर कि आइए बात करते हैं ममता जी इस पर। अगर हर लाइन पे हम एक दूसरे को बोलेंगे अपने दोस्त नीतीश कुमार जी को मैंने ये पूछा, नीतीश कुमार जी दोस्त है, आज एक बार बड़ी बोलने जा रहा हूँ जो आपको समझना होगा। हमारे संविधान में आपने उसका जवाब नहीं दिया, दर्शक देख रहे आपने सारे जवाब दिए, पूछा कि मुख्यमंत्रियों से आपने सहमति बनाने की कोशिश की, क्यों नहीं की? आप पूरा निपटारा सुना दीजिए लेकिन इसका जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं की? समय खत्म हो गया, देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमें यह जानना होगा कि नागरिकों के जो अधिकार होते हैं संविधान में ज्यादा है, कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की ये बात नहीं करते, रोहिंग्याओं के लिए कहते हैं कि उनको यहाँ रखो की भी बात करते हैं, ढूंढ 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 हम ढूंढेंगे, लेकिन आप देश से कश्मीरी पंडितों को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप संसद से पास कराइए, बिल्कुल वही प्रक्रिया। एक सेकंड, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप संसद में बहुमत में हैं, लेकिन मसला ये है कि जनता ने ही मुख्यमंत्री भी चुने हैं, क्या राज्यों के मुख्यमंत्रियों या गृह मंत्रियों को बुलाकर एक सहमति बनाने की आवश्यकता है? मैं कह रहा हूँ तो क्या इसको समझ लें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से है मामला? आप देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या लाठी और भैंस से अब तोड़ा जाए? लाठी और चमड़ी उधेड़ दूंगी जैसे के नारे पे, ये तो ममता बनर्जी का। चलिए समय इजाजत दे नहीं रहा इसके आगे बहस करने की, लेकिन अब ये मसला खुल चुका है, अब जबकि देश के गृहमंत्री ने इशारा दे दिया है कि संसद में हम इसको लेकर कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये बहस अब और लंबी चलने वाली है। अंगल के आखिरी पड़ाव पर उस सवाल का जवाब जो हमने आपसे आज पूछा था, सवाल था कि एनआरसी पर क्या ममता बनर्जी का विरोध करना सही है? जनता की राय 23% लोगों को लगता है कि हाँ ममता का विरोध सही है, और 77% लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी का विरोध करना उचित नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।